नमस्कार और स्वागत है आपका मान्या एजुकेशन में। आज के इस लेसन में हम लोग जानेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। पिछले लेसन में हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस के बारे में जाना था, आज ये लेसन आउटपुट डिवाइसेस के बारे में है। हमारा ये जो लेसन है वो MPPSC 2020 विशेष है और हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाली यूनिट से ये लेसन देख रहे हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग कि आउटपुट डिवाइसेस होते क्या हैं। सबसे पहले जान लेते हैं, इनपुट डिवाइसेस की सहायता से जब कंप्यूटर में कुछ निर्देश दिए जाते हैं और उसकी प्रोसेसिंग होने के बाद जब परिणाम दिखाने का समय होता है तो परिणाम जिस उपकरण में दिखाया जाता है उसे बोला जाता है आउटपुट डिवाइस। इससे पहले के लेसन में हम लोग जान चुके हैं कि जिन उपकरणों का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए, ठीक है, वो कहलाते हैं इनपुट डिवाइसेस। और जो आउटपुट दिखाने के लिए जो उपकरण यूज़ किए जाते हैं, जो डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं, वो कहलाते हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो उसका परिणाम हार्ड कॉपी के रूप में या सॉफ्ट कॉपी के रूप में, ठीक है, प्राप्त होता है जिस उपकरण में, जिस डिवाइस में, उसे कहा जाता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो यानी कि आउटपुट डिवाइस जो है वो परिणाम शो करते हैं। अब ये हार्ड कॉपी के रूप में भी शो कर सकते हैं और सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी शो कर सकते हैं। जब प्रिंटर से प्रिंट निकलता है तो वो हार्ड कॉपी होता है, जब मॉनिटर पे आप सीधा देख सकते हैं तो वो सॉफ्ट कॉपी होता है। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये मॉनिटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पॉपुलर और हर कंप्यूटर में होता ही है। तो मॉनिटर जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है जिसमें हम लोग वीडियो देख लेते हैं, फोटो देख लेते हैं या कोई भी हम लोग टेक्स्ट फाइल देख लेते हैं। तो दिखाने के मतलब हम लोगों को सॉफ्ट कॉपी के रूप में परिणाम दिखाने के काम आता है। तो मॉनिटर क्या होता है, टेक्स्ट और वीडियो दिखाता है, इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर का कौन सा भाग है ये, वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। ठीक है, कौन कौन से तरह का होता है ये, एक होता है CRT कैथोड रे ट्यूब, जिस कंप्यूटर को हो सकता है कुछ लोगों ने अपने में से देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी देखा होगा, जो पीछे की ओर काफ़ी फैला हुआ होता था पुराने ज़माने में, 1990s में जो जिस प्रकार के बड़े बड़े मॉनिटर हुआ करते थे वो कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर हुआ करते थे। तो उसमें एक पिक्चर ट्यूब होता था बड़ा साइज़ का, इसलिए वो कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर कहलाता था। साइज़ में काफ़ी बड़ा होता था, हालांकि उसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती थी। एक होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो इसी प्रकार का दिखता है जैसे ये मॉनिटर दिख रहा है यहाँ पे। इसमें थिन फिल्म्स का उपयोग किया जाता है और जब उस पर लाइट पड़ती है उस फिल्म पे, तो जो उस फिल्म के मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो चार्ज होते हैं, इधर उधर जाते हैं, जिससे फिल्म बनती है। तो काफ़ी एक अच्छी टेक्नोलॉजी थी LCD, हालांकि अब धीरे धीरे इस्तेमाल इसका कम हो गया है। अब एक और प्रकार का मॉनिटर होता है जिसे बोलते हैं थिन फिल्म ट्रांसिस्टर, TFT, ठीक है, TFT मॉनिटर होता है। ये काफ़ी सस्ता होता है, ट्रांसिस्टर का उपयोग करता है और काफ़ी थिन फिल्म होती है ट्रांसिस्टर की, जिससे ये इमेजेस बनाता है। इसके साथ लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि आप इसके स्क्रीन पर छोटा सा स्क्रैच लग जाता है तो ये पूरा का पूरा खराब हो जाता है। लेकिन बहुत ही पॉपुलर है, थोड़ा सस्ता भी होता है, इसलिए काफ़ी पॉपुलर हुआ ये मॉनिटर TFT। आजकल एक मॉनिटर बहुत ही ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है LED, LED यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड। और ये जो डायोड होता है ये न सिर्फ आपको लाइटिंग इक्विपमेंट्स में देखने को मिलेगा, बल्कि आपको टेलीविज़न और मॉनिटर में भी काफ़ी हद तक ये LED का जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ होता हुआ दिखेगा। तो काफ़ी पॉपुलर टाइप का एक मॉनिटर होता है LED। तो ये चार तरह के मॉनिटर हो गए, कौन कौन से, CRT, LCD, TFT और LED। अगला आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है, हार्ड कॉपी के रूप में परिणाम दिखाता है। तो टेक्स्ट या इमेज को कागज पर अंकित कर देता है, ठीक है, कागज पर, देखिए इस प्रकार से इसने प्रिंट निकाल दिया। अब आप प्रिंट को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। किस किस प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर वो हो गए जिसमें, देखिए जैसे ये वाला हो गया ना, इसमें छोटे छोटे हैमर्स बने हुए हैं चारों तरफ और इन हैमर्स के एक सिरे पर लेटर्स बने हुए हैं। तो ये हैमर जो है वो टक 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 करके प्रिंट कर देता है, हैमर से प्रिंट होता है, यानी कि इम्पैक्ट, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जिसमें हैमर के द्वारा प्रिंट किया जाता है। एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो स्प्रे करते हैं, इंक को स्प्रे करते हैं और इस प्रकार से प्रिंटिंग करते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, स्ट्राइक होता है हैमर, इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, स्प्रे होता है,
नोजल से इंक स्प्रे होती है और उसी से पेज पे जो भी टेक्स्ट या इमेज आती है। ठीक है, अब ये चार तरह के पॉपुलर तरह के प्रिंटर देख लेते हैं। एक होता है डेजी व्हील प्रिंटर, ये जो आप देख रहे हैं काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, अब ये काफ़ी हद तक यूज़ में आना बंद हो गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये डेजी व्हील है पूरा, ये व्हील है, ये टेक्नोलॉजी यही थी इसकी, ये व्हील है, इसके सिरे पर हैमर लगे हैं, हैमर के एक सिरे पर अल्फ़ाबेट्स बने हुए हैं और वही अल्फ़ाबेट जो है वो स्ट्राइक करते थे पेपर पे। एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इस प्रकार के देख रहे हैं, ये काफ़ी सिक्योर माना जाता है, ये इस प्रकार का प्रिंटर काफ़ी सिक्योर माना जाता है। तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पिंस होते हैं जो स्ट्राइक करते हैं पेपर पे, तो ये जो पिंस का स्ट्रक्चर होता है उसे बोला जाता है डॉट मैट्रिक्स, इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। एक होता है इंकजेट प्रिंटर, ये आप देख सकते हैं इंकजेट प्रिंटर काफ़ी अच्छी क्वालिटी में प्रिंट करता है, इसमें एक नोजल होता है, इसमें एक कार्ट्रिज होती है, कार्ट्रिज जो है वो नोजल से जुड़ी होती है और नोजल से इंक स्प्रे होता है, उसी से ये पूरा प्रिंटिंग होती है। एक होता है लेज़र प्रिंटर जो कि काफ़ी पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, बहुत ही इसमें जो पर पेज प्रिंटिंग है वो काफ़ी फास्ट है और काफ़ी कॉस्टली बिल्कुल नहीं है, बहुत ही कम कॉस्ट वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो टोनर के टेक्नोलॉजी से इसमें प्रिंटिंग होती है। तो ये चार अलग अलग प्रकार के प्रिंटर हो गए, डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। एक चीज और यहां पर जान लें कि 3D प्रिंटर भी होते हैं जिससे फिजिकल ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, पूरा डिजाइन मॉडल बना के ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। अब एक नए तरह के प्रिंटर पे आते हैं हम लोग, ये है प्लॉटर। प्रिंटर ही है पर बड़े साइज का प्रिंटिंग करता है, ये जैसे आप देख रहे हैं बड़े बड़े फ्लेक्स प्रिंट कर देता है, कपड़ों पर प्रिंट कर देता है, बड़े बड़े जो देख रहे हैं पोस्टर्स टाइप के इन कागजों पर प्रिंट कर देता है, इसे बोलते हैं प्लॉटर। मतलब ये भी प्रिंटर जैसा ही है, बस बड़े साइज की प्रिंटिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है जिसे बोलते हैं प्रोजेक्टर, ये आप देख रहे हैं प्रोजेक्टर, बड़ी स्क्रीन पे दृश्य को लाने के लिए होता है ना, इसके द्वारा दीवार पर या पर्दे पर बड़े साइज में दृश्य को दिखाया जा सकता है। ये प्रेजेंटेशंस वगैरह में आपने देखा होगा, स्मार्ट क्लासरूम्स वगैरह में भी इसको रखते हैं, कई बार आपने इस तरह से ट्रेनिंग वगैरह ये सब में ही आपने अधिकतर देखा होगा क्योंकि इस्तेमाल भी उसी में अधिकतर होता है। एक अलग तरह का आउटपुट डिवाइस है स्पीकर, जिसमें जो आउटपुट आता है वो साउंड के रूप में आता है। ठीक है, तो इसका उपयोग जो है वो साउंड सुनने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के स्पीकर हर किसी के कंप्यूटर में लगे होते हैं जिससे वो गाने वाने सुनने में उपयोग में लाते हैं। बड़े बड़े साइज के वोल्टेज, बड़े बड़े वोल्टेज के इसमें 50,000 वाट तक के स्पीकर्स होते हैं जो कि कंप्यूटर वगैरह से लगाए जाते हैं। एक होता है ब्रेल रीडर, ये देख सकते हैं आप, ये ठीक है। अब इससे क्या होता है, इसके द्वारा दृष्टि बाधित व्यक्ति मॉनिटर पर लिखे टेक्स्ट को पढ़ सकता है, मॉनिटर पर जो भी लिखा हुआ है वो इस यहां से पढ़ सकता है कोई भी दृष्टि बाधित व्यक्ति। ठीक है, तो दृष्टि बाधित व्यक्ति जो कि मॉनिटर को देख नहीं सकता वो इस पोर्शन को छू कर और क्या लिखा हुआ है मॉनिटर पे वो पढ़ सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आउटपुट डिवाइस। तो ये कुछ आउटपुट डिवाइसेस थे जिसके बारे में हम लोगों ने आज चर्चा की। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि अभी भी आपको कोई डाउट हो या फिर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा। अगले लेसन में हम लोग जानेंगे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, तो कंप्यूटर किस तरह से अपना डेटा स्टोर करके रखता है, टेम्पररी रूप से और परमानेंट रूप से किस तरह से स्टोर करता है, किन डिवाइसेस का उपयोग होता है इसके लिए, वो हम जानेंगे अगले लेसन में। अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले लेसन में। नमस्कार।